सात तवियां उत्ते बैठ बोल दिया दे कच्च
पाना मीठा तेरा पाना मीठा लागे मुखो गोदे ओही फेर जान दे सिखी खनियो तिखी दा ओही फेर जान दे सिखियो खनियो तिखी दा जेड़े नाल आ रिया अपना तन चिरवाउंदे सूरे लाजन पाउंदे गरीब नवाज सतगुरु रहमतां दे खजाने हाजरा हजूर पातशाह गद्दी ते सबायमान चवर छतर तख्त दे मालक तन तन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीआं दी मुकद्दस हजूरी दे अंदर सज बैठे साहिबां दी साजी नवाजी गुरु सवारी गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी वड्डे भागां वाले हो जो रात्री दे इन्हां समागमां दे विच हाजरियां भर रहे हो मैं अपने आप नूं वड्डे भागां वाला समझदा हाँ जो आप जी दे नगर दे विच असीं आसे पासे तुहाडे सारे दीवान लाए ने पर इस नगर विच असीं पहली दफा आप संगत दे दर्शन दीदारे करन वास्ते हाजर होए आ साडे सत्कारयोग पंथ दे महान रागी भाई हरप्रीत सिंह जी भालोवाल विदेश दी धरती दे उत्ते लम्मा समा साडे नाल कट्ठे रहे उन्हां ने आप संगत दा हुक्म साडे तक पहुंचाया ते असीं आप संगत दे दर्शन दीदारे करन वास्ते पहुंचे आ सत्कारियो खालसा जी इतिहास ज्योंदियां जागदियां कौमां दे महान जरनैल सिरजिया करदे हन इतिहास नूं बनाउण वाले होर हुंदे ने उहनूं लिखण वाले होर हुंदे हन दुनिया दे कोने कोने दे अंदर बहुत वड्डियां वड्डियां कौमां वसदियां ने इहदे विच कोई शक नहीं पर सत्कारियो खालसा जी दुनिया दियां बहुतियां कौमां दा इतिहास स्याही नाल लिखिया गया है संसार दे उते मर्द कौम सिख कौम जेदा इतिहास साडे वड वडेरियां ने शाही नाल नहीं अपने खून दे नाल लिखिया है साध संगत जी लहु भेजे इतिहास दे पन्ने आप संगत दी सेवा दे विच अर्ज करन वास्ते जा रहे हां जी कुछ कहण तों पहला आसीस बख्शिश करो दोवें हथ जोड़ो
सारी संगत फतेह बुलाओ गज के आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सत्कारियो खालसा जी, कलगीधर महाराज जी दे साडे उते बड़े वड्डे परपकार ने। सतगुरु जी ने सानू अणख दे नाल बहादुरी दे नाल जुरत दे नाल जीवन दी जा सिखाई है। जालम दे नाल टक्कर किवें लैनी है, बहादुरी दे नाल किवें जिंदगी बतीत करनी है, गुलामी दे संगल किवें गल दे विचों तोड़ने ने, ये मेरे साहबां ने सानू सिखाया है। सतकारियो खालसा जी, असीं वड्डे ते जा सकते हां पर सानू चुकाया नहीं जा सकता। गुरु का सच्चा ते सुच्चा सिख जेकर झुकदा है ते केवल ते केवल धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे सामने, होर किसे दे सामने नहीं। सतकारियो खालसा जी, सिख कौम दे अंदर मावां ने अजे योधे पैदा करने बंद नहीं कीते। याद रखो, हर मां दी कुख दे विचों इक संत नहीं पैदा हुंदा, हर मां दी कुख दे विचों इक सिपाही नहीं पैदा हुंदा, हर मां इक शहीद नूं नहीं जन्म दे सकदी। मैं भावे इतिहास का पन्ना आप संगत की सेवा दे विच अर्ज करना है, यह मेरा विशा नहीं, पर मेरे तो पहला सत्कारयोग ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी मखू वो बहुत सोहना बोल रहे सन, पर कथावाचक साहबान ने जेड़े जेकर पावन पवित्र गुरबाणी की विचार करन ते अच्छे लगते ने। सात संगत जी, सत्कारयोग महापुरख श्रीमान संत बाबा करतार सिंह जी भूरिया वाले पिंडर वाले, उन्होंने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की कथा की कई दफा। सात संगत जी, ना इधर की गल की कोई ना उधर की गल की। गुरु दे सिख दा फर्ज है, निंदा नहीं करनी, मैं गुरु की हजूरी च खलोता हाँ, आप संगत की सेवा करने वास्ते असं आए हाँ, तो सात संगत जी इतने खलो के असं साची बोल के तो शोभा पाने, नहीं तो दरगाह में लेखा देना पवेगा। सत्कारयो खालसा जी, तुसी भी सुन रहे सी, उन्होंने भी सुनाया ना, उन्होंने दसिया कि पंगत दे विच उन्होंने यह गल आखी गई कि उठ के पासे हो जाओ। कदे इस तरह भी होंगे कि गुरु का लंगर चल रहा हो किसी बांह फड़ के कह दो कि पासे हो जाओ, इस तरह तो नहीं ना होंगे कितने भी। पर सत्कार जो भाई साहब जी बोल रहे सन, चलता हो गुरु का लंगर तो कौन किसी को उठा सकता है। इतने तो सचखंड श्री हरिमंदर साहब के चार दरवाजे ने, इतने कले सिखा नहीं, कोई हिंदू आवे, कोई ईसाई आवे, कोई मुस्लिम आवे, अज तुसी सचखंड श्री हरिमंदर साहब के दर्शन दुआरे करन चले जाओ, अद्धे वध तुहानू हिंदू ते अंग्रेज नजर आउणगे गुरु के लंगर दे विच लंगर छकते हुए। धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह दे घर दी ऐसी अजमत वरतदी है। जेकर परिवारवाद की गल करोगे कि गद्दी केड़ा बाबा केड़े अपने बच्चे नूं देना चाहुंदा है, तो उन्हां नूं दसना चाहीदा सी, क्योंकि जिन्नियां भी संप्रदावां ने बहुते ते बाबे विआहे नहीं है, ते एक दो संप्रदावां दे बाबिआं ने आनंद कारज कराए ने, ते उन्हां दा नां उन्हां नूं जरूर लैणा चाहीदा सी कि फलाणे गुरु घर दे विच इस गल दा झगड़ा है कि मैं फलाणे नूं गद्दी देनी है ते फलाणे नूं नहीं देनी। संगत दे विच बैठ के ते स्टेज दे उत्तों दफेड़ दीआं गल्लां नहीं करीदीआं, फिर तो सीधा परचा पैंदा है कि फलाणा साध है, भाई फलाणा इस तरह है, उत्थे आ कोई कर्म हुंदा है। सात संगत जी, इस तरह तो नहीं ना हुंदा, बुढ़े दल दे विच चले जाओ, तरना दल दे विच चले जाओ, सिरमौर जथेबंदियां ने ते बाबियां दे ते आनंद कारज नहीं होए उन्हां दे, हजूर साहब नूं चले जाओ, बाबा बस्ता सिंह संपर्दा वाल चले जाओ, जिहदे पासे मर्जी चले जाओ, बाबा दे विआहे कोई नहीं, एक दो बाबे विआहे ने ते उन्हां दा नां उह लै के नहीं गए। तो इस करके सात संगत जी, गुरु की हजूरी है, आप जी भी सरवण करते हो, ते इत्थे सच उत्थे सचो ही सच निबड़ा, चुन वख कटे जज मालिया, निबेड़ा ते सच दा होना है, झूठ नूं ते किसे ने किसे थां दे उत्ते नहीं खलोण देना। ते गुरमुखो प्यारियो, गुरु नानक दा घर है, इत्थे ते लंगर चलदा है ते चलदा ही रहेगा, भावें किसे दी शरदा है किवें दा वी लावे, इह ते गुरु नानक दा घर है ना, इह ते छकाउण वाले दी मर्जी है ना कि मैं संगत की सेवा किवें करनी चाहुंदा हाँ। हुण तुहाडे विचों बहुतिआं दे मन विच आवेगा कि असीं संगत नूं दुध छकाउणा है, ते भाई किवें रोक लोगे किसे नूं, ते जे कोई आखे कि गुरमुख प्यारियां दी ट्राली भर के आई है, मेरा जी करदा है मैं इन्हां नूं ठंडे पियावां, ते साध संगत जी संगत दी ते कीती सेवा, ते आपां करिए तुहीन ते गल फिर फबदी नहीं ना, ते नाले गुरमुखां दे मूंह दे विचों इह गल्लां ते बिलकुल ही नहीं फबदियां। आपां गुरु की संगत है, ते महाराज सच्चे पातशाह दा हुक्म है विच संगत हार प्रभ वसै जीओ, संगत दे विच रब वसदा, किसे दे घर पोत ना हुंदा होवे
ते संगत दे कोलों अरदास करा लो गुरु खैर पा दिंदा जी। किसे दा रोग ना कोई कटिया जांदा होवे ते आपां कहिंदे आ ना आके कि संगत दे कोलों अरदास कराओ जी ते संगत जिहड़ी अरदास कर देवे बिरथी जांदी है बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। इस करके गुरमुख उन्हां बुलारियां नूं तकरीबन ज्यादा तरजीह दो जिहड़े गुरबाणी की कथा करते हैं सानूं गुरु का ज्ञान देन। इधर उधर दीआं गल्लां ते मेरे कोल जिन्नियां मर्जी सुन लो गुरमुख आओ रहो विचार मैं इतिहास का पन्ना प्रारंभ करा। सारी संगत आखो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला। सत्कारियो खालसा जी मैं इतिहास इत्थों प्रारंभ करना चाहुंदा हां के गुरु के खालसे सचखंड श्री हरिमंदर साहब के दर्शन दीदारे करने वास्ते आए। हरिमंदर साहब के अंदर सानू कोई पैर नहीं सी रखण देंदा क्योंकि मनौत सी उन्हां दी कि जेड़ा सरोवर दे विचों आके पंज घुट जल दे छक गया उन्हूं मौत दी परवाह कोई नहीं रहनी। साध संगा जी इस करके डरदे सन मुल्ले ते मलाणे उन्हां ने इह गल दी तरजीह दित्ती होई सी इस गल नूं कि कोई सिख गुरु रामदास के घर के दर्शन दीदारे करने वास्ते ना आवे क्योंकि इन्हां नूं तलीम ही इत्थों मिलदी है मौत दी। जिथे आके सरोवर दे विचों पंज घुट जल छक लैंदे ने इन्हां नूं परवाह ही कोई नहीं रहिंदी मरन दी। ये मरन वास्ते आप अगे आउंदे ने इतिहास के पन्ने ने जे झूठे होण ते मैनूं कह दिओ। ते साध संगत जी जे आपां गुरु के सरोवर नूं अज माड़ा आखीए ते गल फिर लभदी नहीं ना। सत्कारियो खालसा जी महाराज सच्चे पातशाह दे घर दे विच आउणो जाणो रोकिया जांदा सी सिखां नूं ते जे उत्थे अजमत ना वापरदी ते लाहौर वालियां नूं की लोड़ सी सिखां दे नाल इन्ना पंगा लैण दी। उहनां नूं की लोड़ सी इन्ने वड्डे नाके लाउण दी कि हरिमंदर दे दीदारे सिखां नूं करन वास्ते ना जाण दिओ। उहनां नूं ते कहिणा सी जाओ जिद्दां मर्जी जाओ भाई शनान तुसीं उत्थे वी करना है ते इत्थे वी कर लो। साध संगत जी पिछे कोई गल सी ते तां ही ते ओह रोकदे सन ना सिखां नूं इह ते गल फबदी है ना। गुरु सवारे खालसा जी हरिमंदर दे दीदारे करन वास्ते आए सिख बाबा सुखा सिंह साहब की अगवाई गुरु के सिखां ने गल च पला पा लिया। कहन लगे जथेदार हो तुसीं साडे साडा दिल करदा है गुरु रामदास महाराज दे घर दे इवें दीदारे करदे रहीए। बाबा जी की इह सदा वास्ते साडे कोल कार सेवा नहीं आ सकदी। साध संगत जी बाबा जी ने आख्या कि जे सदा वास्ते इत्थे सेवा करनी चाहुंदे हो ते ताकत दी लोड़ है। उहनां आख्या मरदा फिर ताकत कित्थों आउंदी है। सरदार ने तलवार बेमियान करके आख्या ओ गुरु दे उत्ते रख दिओ यकीन ते भरोसा ते जिउंदियां जागदियां कौमां दे मर्द तलवार दी धार दे विचों ताकत पैदा कर दिया करदे ने। उहनां आख्या बहादरा तेरियां गल्लां फपदियां ने पर साडा पता किवें लगे कि कौम अजे जिउंदी है मरी नहीं। उहनां बहादरां ने लाहौर चले गए जिथे सिख दा सिर वढ के लै जाओ ते 80 रुपये इनाम मिलदा सी ते उसे धरती दे उते बाबा सुखा सिंह साहब ने अपने पैर रखे उथे जाके चेतावनी दे के आया कि असीं जिउंदे हां ताकत है ते पकड़ के वेख लो। साध संगत जी बहादरां ने लोड़ीदियां वस्तुआं इकट्ठियां कीतियां ते गुरुद्वारा रोड़ी साहब दे अंदर आके टिकाणा कीता। लाहौर दे विच खबरां फैल गईयां आ कलानौर दे रहण वाले सन खतरियां दे मुंडे सी दो एक दा नां सी जसपत राय ते दूजे दा नां सी लखपत राय। इह सरकारी टौड़ सन अफसर सन वड्डे। साध संगत जी जसपत राय लाहौर तो फौज लैके तुरिया ते बाबा सुखा सिंह साहब नूं गुरुद्वारा रोड़ी साहब दे अंदर घेरा पा के किवें बह जांदा है ढाडी जत्था बेनती है क्यों करदा बाबा। ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ
रोड़ी साहब दे ओने पासे चारे हाँ घेरे रोड़ी साहब दे ओने पासे चारे हाँ घेरे रोड़ी साहब दे ओने पासे चारे घेरे रोड़ी साहब दे ओने पासे चारे ओ भुखे दिना दिना देसी सिख बिचारे घेरे रोड़ी साहब दे ओने पासे चारे ते भुखे तिना दिना दे सी सिख बचारे ए भुखे तिना दिना दे सी सिख बचारे सिख बिचारे भुखे तिना दिना दे सी सिख बिचारे भुखे तिना दिना दे सी सिख बिचारे संगत जी लाहौर तो फौज चढ़ के आई जसपत राय हंकारी बंदा सी लाहौर दीआं फौजां नूं नाल लैके आया उन्हें गुरुद्वारा रोड़ी साहब नूं चार शहरियों आके घेरा पा लिया। बाबा सुखा सिंह ने आख्या कि तीन दिन हो गए ने असीं प्रशादा नहीं छकिया। सात संगत जी वो गुरु के लाल भुखे त्याए रह के कौम की सेवा करते सन। असीं इतिहास के पन्ने जदों पढ़ते हाँ मैं पढ़ता हाँ जदों खास करके मेरे शरीर के लोई कंडे खड़े हो जाते हैं कि हे कलगी वाले महाराज सच्चे पातशाह
ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਖਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਨਾ ਜੱਜ ਜੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸੌ ਸੌ ਉਲਾਮੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਧੇ ਛਿੱਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੈ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਾਸਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨੀ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਨੀ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢੀ ਦਾ 80 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜੱਥਾ ਹੀ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸੱਤਾਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਨੀ ਮੁੱਕਣਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਬੇਮਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਨਾ ਵੱਢ ਲਵੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਬੇਮਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਮੁਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਗੁਸਾਈਆਂ ਦੀ ਚਿੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਪੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਹ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋ ਕੀ ਮਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦੇਗ ਦਾਲ ਦੀ ਰਿਝਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੱਥਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਲੋਹ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਪਾਂਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆ ਕੇ ਛਕ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਉਠਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਚੋਟ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਧਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ ਰਾਹੀ ਪਾਂਦੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਜੇ ਆ ਕੇ ਛਕ ਲਓ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਛਕ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਟੌੜ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਆ ਛੇਤੀ ਚੱਲ ਗਏ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੁੱਖਾ ਸਿਆ ਓਏ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮਲਣੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਹਾਦਰੋ ਆ ਦੋ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ ਸ਼ਹਾਦਤੇ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਇਹ ਛਕ ਲੈਣਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰੱਖੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੋਕਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਧੂਲੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਛੱਡੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਤੇ ਰਣ ਤੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਡੋਲਵਾਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਰੰਗਰੇਟਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲਬਾਹੂ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਥਾਪੀ ਆਖਿਆ ਆ ਬੈਠਾ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਬਾਹੂ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਲਾਕੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਵਾਰੀ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਬੇਮਿਆਨ ਕਰ ਲਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਸਿਰ ਸਰਦਾਰ ਨਬਾਹੂ ਸਿੰਘ ਨੇ
बोलिया फिर गुस्सा खा के जस हल्ला बोलिया फिर गुस्सा खा के हो जस हल्ला बोलिया फिर गुस्सा खा के जस हल्ला बोलिया फिर गुस्सा खा के हो महावीर दे नारे लाके जय देवा जय महावीर दे नारे लाके हो निगानी बाहू सकदी निगानी बाहू सकदी ओ पै गया आके बल सारा लाके बल सारा लाके Thank you.
प्यारी साध संगत जी, जसपत राय सिखां दे हथों मारिया गया। मैदाने जंग विच सरदार नबाहू सिंह ने एको ही वार कीता ते जसपत राय दा सिर हाथी तो थले डिग पिया। ओदी लोथ ओदी लाश हाथी दे उत्ते ही रह गई। ओदे नाल दे साथी जिहड़े सी अड्डियां नूं थुक ला के दौड़ गए मैदाने जंग विच। सत्कारयोग खालसा जी, सरदार सुखा सिंह कंबो की माड़ी दा महान जरनैल, उन्हें आख्या पापी जसपत राय दा सिर एक बरछे विच नेजे विच परो लाओ ते ओ परछा धरती दी हेक दे उत्ते कढ़ो, ओदी सेहत नूं पंगत ला के बह जाओ, प्रशादा छको, हुण जिहड़ा भी चढ़ के आवेगा खालसे दी तेग दी भेटा हो जाएगा। सत्कारयोग खालसा जी, गुरु के सिखा ने लोह लंगर तैयार सी, प्रशादा छकिया, अकाल अकाल दे जकारे छड़े, उत्थे एक वड्डा साईं आया, उन्हें आके खालसे दे कोल फरियाद कीती, आख्या जसपत राय दा सिर मैनू दे दिओ। ये लंबी चौड़ी इत्थे एक कहानी है, साध संगत जी इस पासे मैं नहीं जाना। जसपत राय दी लोथ बिना सिर तो लाहौर चली गई, ते तुसीं जानदे हो उहदा भरा लखू जिहनूं आख्या जांदा लखपत राय वड्डा अफसर सी, उन्हें अपने भरा मरे हुए नूं जदों वेख्या, बिना सिर तो उहदी लाश वेखी, अग भबूला हो गया। उन्हें लाहौर तो ऐलान कर दिते, आख्या कोई भी पगड़ी धारी सिख पंजाब की धरती के उत्ते नजर आवे तो जिउंदा नहीं छड्डना। उन्हें सिखां दे खून की होली खेडी, पंजाब का चप्पा चप्पा सिखां दे खून के नाल रंगिया गया, मानो पत्ता पत्ता सिंघां दा वैरी हो चुकिया सी। साध संगत जी, उन्हें सिखां दे सिर वढ वढ के लाहौर दीआं मसीतां दे दरवाजिआं दे सामने मनारे बना बना के सिर रखे। सत्कारयोग खालसा जी, शाही मसीतां जिहड़ियां लाहौर दी धरती दे उत्ते ने, ओह सिंघां दे खून दे नाल धो दित्तियां गईआं। गुरु के लाडलिआं दे सिर वढ के उहनां दीआं लोथां बिना सिर तो लाहौर वल आउंदे होए रस्तिआं दे उत्ते टंगीआं गईआं, ते नाले इक बंदा लागे खलोंदा आउंदे जांदे राहीआं नूं इह गल दसदा कि जिहड़ा सरकार दे करिंदिआं दे नाल पंगे लैंदा इह सरकार उहदे नाल इस ढंग दे नाल पेश आया करदी। साध संगत जी, सोमवार की मसिया का दिन आने वाला से, इस पापी बंदे ने बहुत सारे सिखां नूं जिहड़े घरां विच वसदे सन गिरफ्तार किया, लाहौर लै गए। उत्थे जाके ऐलान कर दिता कि सोमवार की मसिया वाले दिन नखास चौंक के अंदर इन्हां सिखां दे सिर वढे जाणगे। इस तमाशे नूं वेखण वास्ते जिन्हें भी लोग लाहौर के अंदर वसदे ने सारे एक थां दे उत्ते इकट्ठे हो जाण। कुछ हिंदू वीर इकट्ठे होए, उन्हां ने जाके पापी लखू नूं फरियाद कीती कि लखू ये कैर ना कर सिंघां दे उत्ते। उन्हें आख्या नहीं, मेरे भरा दे डुल्ले खून का मैं बदला लेना चाहुंदा हां। उन्हां आख्या कि जिन्हां ने तेरे भरा का कतल कीता है उन्हां दे नाल जाके दो हथ कर, सानूं कोई गिला नहीं, पर इन्हां मासूमां नूं क्यों मारदा है। उन्हें आख्या कि मैं इन्हां दे सिर वढांगा, मेरे भरा की आत्मा नूं शांति मिलेगी। कहन लगा ते उन्हां हिंदुआं ने आख्या कि घट्टो घट सोमवार की मसिया का पवित्र दिन है, इस पवित्र दिहाड़े के उत्ते कतलो गारद ना कर। पर वो पापी बंदा ना मनिया। सत्कारयोग खालसा जी, रावी दरिया तुहाडे बिल्कुल लागे वहिंदा है, लाहौर तो फौजां चढ़ के आईआं, गुरु के लाडले रावी दरिया के परले कंडे लहिंदे पंजाब वाले कंडे दे उत्ते मौजूद ने। इधर सिखां दी छानबीन कीती जा रही सी, पापी लखू नूं पता लग चुकिया सी कि जिन्हां ने मेरे भरा दा कतल कीता उह रावी दरिया दे कंडे दे उत्ते संघने जंगल विच सज बैठे ने। सरदार सुखा सिंह जाणदा सी, दूर अंदेशी सी कि लाहौर तो फौजां चढ़ के आउणगीआं, उहनां दा सामना सानूं करना पवेगा, नाल कुछ औरतां, कुछ बच्चे, कुछ बजुर्ग ने। सरदार उहनां नूं समझाउंदा है, धीआं नूं भैणां नूं, कि जदों फौजां चढ़ के आउण ना अपने दुध चुंग दे बच्चियां नूं लै के कानिआं दे झल्लां विच लुक जाइओ, इहनां दा बचा करिओ। साध संगत जी, आओ तको पापी लखू सिखां दी भाल दे अंदर लाहौर तो शाही सेना दी इक टुकड़ी लै के किवें रवाना होया, किवें उहने कानिआं दे झल्लां नूं अग लाई ते समेत मावां दे बच्चे सड़ के सवाह हो गए। उहनां दीआं चीकां, उहनां दीआं कुरलाटां सरदार सुखा सिंह दे कन्नां विच पै रहीआं सन। बजुर्ग उहनां दी रक्षा करन वास्ते सामने आए,
छातियां विच गोलियां मार मार के किवें पापी ने छलनी कर दिता। ढाडी जत्था संगत की सेवा दे विच बड़ी प्यारी एक कविता सांझी करन वास्ते जा रहा है। आप जी प्यार सत्कार नाल सरवण करो, इउं बेनती कीती जा रही है। Good.
दिते सैकड़े मार मुका दिते सैकड़े मार मुका अपने जीवन के अंदर 14 बहुत वड्डे जंग लड़े ने ते उहनां विचों एक मेन जंग है। सत्कारयोग खालसा जी, ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਕੀ ਮਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਪੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਿਆ। ਲਹੂ ਡੋਲ ਮਿਲ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪਾਪੀ ਲੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, दूसरे पासे सरदार सुखा सिंह कंबोकी माड़ी वाले महान जरनैल दे मतहत कुछ गिणती दे जरनैल रावी दरिया दे किनारे किनारे अगे वल वधदे जा रहे सन। पापी लखू ने सोचा कि सिंह मारिया ते नहीं मुकदे, ना मेरे हाथी आउंदे ने, ते क्यों ना एक वड्डे जंगल नूं अग ला देईए, आपे मर खप जाणगे। एक वड्डे जंगल नूं जदों अग लाई कानिया के झलां विच मासूम बच्चे लुके हुए सन समेत मावां दे सड़ के सवा हो गए। साध संगत दी अग दीआं लपटां आकाश नूं छो रहीआं सन ते मासूम बच्चिआं दीआं चीकां सरदार सुखा सिंह दे कन्नां विच आ के पै रहीआं सन। सरदार दे डौले फर्क रहे सी, पर उस वेले उहदे उत्ते बड़ियां वड्डियां भारियां जिम्मेवारियां सी। उहने आख्या, बहादुरो मैं कौम दा बचा करना चाहुंदा किसी ढंग दे नाल। रावी दरिया के कंडे कंडे अगे वल वधदा गया, कठुए दीआं पहाड़ियां जम्मू कश्मीर दीआं पहाड़ियां आ गईआं सामने पहाड़ियां। एक पासे रावी दरिया दा तिखा वहण, दो पासिआं तों लखू दी फौज ने घेरा पाया। सरदार सुखा सिंह ने आख्या, बहादुरो जिहड़े घोड़िआं दे उत्ते सवार नहीं उह पहाड़ां दीआं कंदरां दे विच हथ फसा फसा के चोटी दे उत्ते चढ़ जाओ, क्योंकि सामने पहाड़ीए लोग इह उह लोग ने जिन्हां वास्ते धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने शहादत जान दिता है। जे साडे नवें सतगुरु की शहीदी इन्हां लोकां नूं याद होवेगी ते साडा स्वागत करनगे।
ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਡਲੇ ਬੜੀ ਜਦੋ ਜਹਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਈ। ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਕਠੂਏ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਰਿੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖੇ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਰਫ਼ ਖੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸਮਾਨੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੀਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਰੁੜਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ। ਜਦੋਂ ਰੁੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਥਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀਆਂ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਡੋਲੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਰਦੋ ਜਨਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾਂ ਤਖਤਾ ਏਕੜੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਾ ਹੈ, ਲੜਨ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤੇ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਡਲੇ ਧੌਂਸਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਪੀ ਲੱਖੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਲਹੂ ਡੋਲਵੀਂ ਜੰਗ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਡਲੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਸਰਦਾਰਾ ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਖੂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਰਦੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹਣਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਸਰਦਾਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਪੀ ਲੱਖੂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਣੋ ਚਾਲ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਵਾਰਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਪੀ ਲੱਖੂ, ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਡੋਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਦੀ ਆ
ਕੋਈ ਹੱਥ ਦਿਖਲਾਏ ਬਿਨਾ ਜਾਵਣਾ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਤਾਇ ਪਕਾ ਸਿੱਖ ਸੁਤਿਆਂ ਪਿਆ ਤੇ ਆਣ ਪਏ सरदार सुखा सिंह दी सज्जी लत्त विच वज गया। सज्जी लत्त मोटे पट्टों टुट गई।
उन्हें काठी दे हने दे नाल टूटी हुई लात नू बन के जंग लड़ी। सा संगत जी उन्होंने कितने तनखाहां लैनियां सन, उन्होंने कौम की खातर अपना खून डोलिया, अपने गुरु की खातर अपने इष्ट की खातर आपा कुरबान किया। वह महान जरनैल महान सूरबीर योधे जदों ये जंग जीत के वापस आए, इस जंग दे विच पापी लखू का मुंडा मारिया गया कलानौर वाले खतरी का। सात संगत जी वह दहथड़े मार मार के रो रहा सी, गुरु के लाडले मैदाने जंग विच नगारे ते चोट मार के उतो निकले। जदों रावी का पतन पार किया ते सामने करमे शीने ते रामे रंधावे वर्गे टकुए ते गंडासे लैके खलोते सन सिंघां दा राह रोकण वास्ते, ते जेड़े उन्हां पापियां दे रोकिया नहीं सी रोके, ते इन्हां दे रोकिया उन्हां ने किथे रुकना सी। गुरु का लाडला महान जरनैल छे महीने मंजे ते रहा, तंदुरुस्त होया, शादरे दे मैदान दे विच अहमद शाह अब्दाली दीआं फौजां दे नाल टक्कर लैके शहादत जाम उन्हें पीती। एडा वड्डा सूरमा, इन्ना वड्डा जरनैल, तुहाडा वड्ड वडेरा, साडा वड्ड वडेरा, सात संगत जी जिन्हें कौम की नुहार नूं बदल के रख दिता। ते सचखंड श्री हरिमंदर साहब तो परे साडे कोल कुछ भी नहीं। एक मिसाल है सात संगत जी कि मुसलमाना वास्ते मक्के तो परे सारा कुछ उजाड़ ही उजाड़ है, ते अपने कोल भी ते धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह ते सचखंड श्री हरिमंदर साहिब दरबार साहिब तो परे सारा कुछ ही उजाड़ है ना। आपां बेपना मुहब्बत करदे आं अपने गुरु दे नाल, ते गुरु दे नाल मुहब्बत कायम रखो, आसरा रखो गुरु दा, विश्वास ते भरोसा रखो अपने गुरु दे उते, ते दुनिया दी कोई एहो जी नियामत जां चीज नहीं जिहड़ा साडा गुरु सानूं नहीं दे सकदा। सात संगत जी इस करके जदों भी कोई कार्ज की प्रारंभता करनी है ते गुरु दे चरणां च अरदास करिया करो, जे अमृत वेले नहीं उठिया जांदा ते गुरु दे चरणां च अरदास करो। महाराज सच्चे पातशाह दुखां दा नाश करन वाले ने ते सुखां दा प्रकाश करन वाले ने। गुरु ते इहो जी कृपा करदा है कि दुख दारू सुख रोग भया, पढ़ते हैं ना, ओदे दुखां नूं भी दारू दा भाव हुंदा है, दवाई बना दिंदा है, ऐसा रहबर है। एवें किसे दे सामने इस तरह हाथ ना विखाउंदे फिरियो, ये गुरु इन्ना महान गुरु है जिहड़ा पुठियां लकीरां नूं भी सिद्धियां कर दिंदा है, इन्ना शक्तिशाली है। एवें किसे दे आखे ला के आसे पासे ना तुर पियो, इहो ही महान गुरु, एक दा पल्ला फड़ लो, एको है भाई एको है साहिब मेरा एको है, ते इहो ही तुहानूं पार किनारे लावेगा। गुरु नानक तो वड्डा भी घर किसे दा हैगा। ते सात संगत जी इस घर लंगरां च सेवा करो, जूठे भांड्यां दी सेवा करके अपने बाबे नानक जो मर्जी मंग लो, किहड़ी शै नहीं मिलदी उहदे घर दे विच्चों। गल भरोसे दी, विश्वास दी ते यकीन दी है। इस करके भाई गुरमुखां दी संगत करो। दास हरदीप सिंह माणोचाल फतेहगढ़ सबरावां वाले ढाडी जत्थे दी इन्नी सेवा प्रवान करो जी, मेरा साथ दे रहे सी भाई गुरजीत सिंह नगर ढोलन, सत्कारयोग भाई अमर सिंह शौंकी, सत्कारयोग भाई दिलबाग सिंह जी गज्जन, आप समूह संगत का असीं तहे दिलों धन्नवाद करते हाँ। साढ़े सत्कारयोग वीर पंथ के महान रागी भाई हरप्रीत सिंह जी भलोवाली साहब, उन्हां दा धन्नवाद करते हुए कोटानकोट शुक्र करते हैं। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीआं दा, गज के फतेह बुलाओ आखो भाई, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।